नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। मथुरा के गोविंद नगर में हो रहे होने वाली मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के द्वारा कार्यवाही के संदर्भ में कल अपर आयुक्त आगरा और विभिन्न अधिकारी कमेटी में मौजूद रहेंगे। बैठक आयोजित होगी। जानकारी देते हुए मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण सचिव पूर्व एसडीएम सदर रहे राजेश कुमार जी ने आरपीएस समाचार ब्यूरो चीफ जनपद के वरिष्ठ पत्रकार कृष्णा गुप्ता से विशेष वार्ता करते हुए पूर्व एसडीएम सदर और मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण सचिव राजेश कुमार जी से वार्ता करते हुए सदस्यीय टीम है, ये अपनी जांच रिपोर्ट शासन को सौंपेगी। शासन द्वारा यह भी कहा गया है कि उस भूमि का लैंड ऑडिट कराया जाए और कितनी भूमि रिक्त है, कितनी ऑक्युपाइड हो गई है, इसका विवरण जी। तो बताया जा रहा है कि कल अपर आयुक्त और एडीएम वित्त राजस्व योगानंद पांडे साहब पूरे समिति की बैठक कल होगी। कल प्रथम बार जो है वो बैठक करेगी, उसके बाद समिति तय करेगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन सी सूचनाएं उपलब्ध हैं और कौन सी एकत्रित की। उसके बाद ही आगामी जो भी कार्रवाई की रणनीति है वो तय हो पाएगी। चलिएगा, तो हमारे साथ रहे मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के वर्तमान में सचिव हैं राजेश कुमार जी, जो कि जनपद में पूर्व एसडीएम सदर भी रहे हैं। आपने जाना ही, उन्होंने जो बताया कल अपर आयुक्त साहब आएंगे, यहाँ कमेटी की एक बैठक आयोजित होगी गोविंद नगर का जो मामला है उसको लेकर। और जो है हमारे यहाँ पर अपर जिलाधिकारी हैं मथुरा के वित्त एवं राजस्व योगानंद पांडे जी और तमाम अधिकारी लोग उस कमेटी के हैं, उस कमेटी में हैं, और बैठक होगी उसी मामले को लेकर। अब देखते हैं कि क्या आगामी कार्रवाई की रणनीति कल बैठक होने के बाद तय हो पाएगी। मथुरा से आरपीएस समाचार ब्यूरो रिपोर्ट, कृष्णा गुप्ता। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।